एक कहावत है, अपनी नाक कटे तो कटे लेकिन दूसरे का सगुन जरूर बिगड़ना चाहिए। पाकिस्तान वही है। और पाकिस्तान का क्या इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है अमेरिका, जानेंगे रूस के खिलाफ पाकिस्तान कैसे हथियार बना है अमेरिका का। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को क्यों कबाड़ एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है अमेरिका, क्या एडवांस रूसी मिसाइलों को रोक पाएगा ये सिस्टम, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन का हाल बहुत बुरा होने वाला है और ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ उनके नेतृत्व की वजह से, जो अभी भी हालात को संभालने के बजाय युद्ध को कंटिन्यू करने में लगे हुए हैं। अब इस वक्त रूसी मिसाइलें ताबड़तोड़ हमला तो कर ही रही हैं, और ईरान के ड्रोन भी ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। इन सब हमलों के बीच में बहुत ज्यादा जरूरत है जेलेंस्की को एयर डिफेंस सिस्टम की, और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जेलेंस्की G7 देशों के सामने भी गिड़गिड़ाए। आखिरकार जर्मनी को कुर्बानी देनी पड़ी, और जर्मनी जो इजिप्ट को बेचने वाला था अपना एयर डिफेंस सिस्टम, उस एयर डिफेंस सिस्टम को जर्मनी ने यूक्रेन को भेज दिया। अब देखिए दबाव में अमेरिका ने G7 के देशों में यूरोपीय देशों से काम करवाना शुरू कर दिया, और अब ये जर्मनी बैठकर जरूर सोच रहा होगा कि देखो सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूँ। जर्मनी ने अपना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम तो दे दिया, जब अमेरिका की बारी आई और कहा गया कि आप भी दे दो एयर डिफेंस सिस्टम, तो कहा हाँ बिल्कुल देते हैं, अब भी देते हैं, हॉक एयर डिफेंस सिस्टम को निकालो जी और भेज दो यूक्रेन। आखिर क्या है ये हॉक एयर डिफेंस को 1960 में अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था, और अभी हालात ऐसे हैं ना कि रूस ने पिछले 2 हफ्तों में यूक्रेन में जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इन हमलों के कारण यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहर लगभग तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के 50% पावर स्टेशन बर्बाद होने से लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। कई इलाकों में पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है, और ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की नाटो देशों से एयर डिफेंस सिस्टम देने की गुहार लगा रहे हैं। चंद दिनों पहले ही नाटो सम्मेलन में भी यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने पर चर्चा हुई थी, और बाइडेन प्रशासन ये चाह रहा है कि हॉक मिसाइल सिस्टम को ट्रांसफर किया जाए, और इसके लिए बाइडेन ने पटापट प्रस्ताव पर साइन करने की भी बात कह दी है। ये डिफेंस सिस्टम वियतनाम युद्ध के दौरान बनाया गया था, और वियतनाम युद्ध में क्या हाल हुआ था अमेरिका का ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि इस हॉक सिस्टम को हमने कई बार अपग्रेड किया हुआ है और अब बहुत अच्छा है, ये चलेगा, लेकिन कहते हैं कि इस वक्त हॉक सिस्टम अमेरिका के डिफेंस में एक कबाड़ खाने में पड़ा हुआ रहता है और अमेरिका इस्तेमाल इसका नहीं कर रहा है, और इस तरह के कबाड़ को अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को। हालांकि कितने की संख्या में दे रहा है ये भी नहीं बताया गया है। अमेरिका हॉक सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करता है, और हॉक सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाया गया, लेकिन जब यूक्रेन ने ये कहा कि हमें पैट्रियट ही दे दो, अगर थार्ड नहीं दोगे तो, थार्ड सबसे टॉप का माना जाता है अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, तो अमेरिका ने कहा कि नहीं भैया हम पैट्रियट भी आपको नहीं दे सकते हैं, हम आपको अगर कुछ दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं हॉक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और इस बात की खबर नाटो सचिव ने भी कर दी कि हाँ हम आपको ये हथियार दे रहे हैं। अब ये भी पता नहीं है कि कितने हॉक सिस्टम काम करने लायक बने हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से अमेरिकी शस्त्रागार में ये पड़े हुए हैं, और ये मदद $700 मिलियन की बता रहा है अमेरिका, जिसके तहत इसे भेज रहा है। इसमें से कितने काम आएंगे और कितने नहीं, ये यूक्रेन के जंग में ही पता चलेगा। यही होता है जब आप अपने देश की नीतियों को दूसरे देशों के अनुसार चलाने लगते हो। ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन को अभी और भी बुरे दिन देखने होंगे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग में एक और देश है जो बहुत बड़ा मोहरा बन रहा है। वैसे आप जान लीजिए, विश्व में यदि कोई सबसे दोगला देश है तो वो है अमेरिका। अमेरिका के दोगलेपन की हकीकत अब दुनिया के सामने आने लगी है। हर किसी को ज्ञान बांटने वाला अमेरिका किस तरीके से पर्दे के पीछे खेल करता है वो भी सामने दिखने लगा है।
पर्दे के पीछे पाकिस्तान जैसे देशों की मदद करके एक तरीके से आतंकवाद का समर्थन भी हो रहा है। लेकिन क्यों अचानक अमेरिका पाकिस्तान पर इतना मेहरबान होने लगा? उसके इस कदम के पीछे असल कारण क्या है? क्या अमेरिका रूस के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकी फैक्ट्री का प्रयोग करने की योजना बना रहा है? कुछ ऐसे कदम हुए हैं जिसके बाद अमेरिका के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि अमेरिका दरअसल कौन सा बड़ा खेल खेल रहा है। आपको बता दें, अमेरिका की ही मेहरबानी है कि आतंकियों को पालने पोसने और बचाने वाला पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची से निकलकर बाहर आ गया है। अपने कर्मों के कारण पाकिस्तान 4 साल से इस लिस्ट में था और आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण उस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगे हुए थे। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में जरा भी सुधार नहीं आया और उसने आतंकियों को संरक्षण देना जारी रखा। बावजूद इसके हाल ही में FATF ने ग्रे सूची से इसे बाहर निकल दिया। जबकि देखा जाए तो आतंकिस्तान की हरकतें ऐसी है कि उसे ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उसे तो ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा, ग्रे सूची से ये बाहर आ गया। आपको क्या लगता है, किस सहायता से पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से बाहर आए? देखा जाए तो ये सब कुछ किसी और के कारण नहीं, केवल अमेरिका के कारण ही हुआ। FATF एक ऐसी संस्था है जो लगभग यही माना जाता है कि अमेरिका के इशारों पर काम करती है, या यूं कहें कि अमेरिका की कठपुतली है। अमेरिका FATF को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है, इसके आरोप कई बार लगे हैं। इसका उदाहरण तब भी देखने को मिला था जब अमेरिका ने जर्मनी को FATF की धमकी दे दी थी। अब भला अमेरिका कौन होता है किसी देश को इस प्रकार की धमकी देने वाला? वैसे तो FATF एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन कंट्रोल तो इसमें अमेरिका का ही दिखता है। और ये समझने के लिए पूरा काफी है कि ये पूरा का पूरा खेल कौन खेल रहा है पाकिस्तान को बाहर निकालने का, तो अमेरिका खेल रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। अब इसी FATF की मीटिंग में एक और बड़ी चीज हुई थी। वो चीज ये थी कि FATF ने एक बड़ा निर्णय रूस के खिलाफ भी लिया। वो उनके भविष्य के परियोजनाओं में रूस के भाग लेने पर रोक लगा दी। मतलब ये कि FATF की जो भी योजनाएं होंगी उस योजना में रूस हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसने यूक्रेन पर हमला किया है। अब रूस और अमेरिका के बीच संबंध कैसे हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक कर खुद कदम पीछे हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। युद्ध के दौरान अमेरिका ने चौधरी बनने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं आया और तमाम देश एकजुट होकर भी रूस को नहीं रोक पाए। और अब ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान का समर्थन देकर आतंकवाद के जरिए मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के जरिए रूस, आतंकवाद के जरिए सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया के जरिए रूस, क्या टारगेट यही है? हालांकि पर्दे के पीछे अब प्लान शायद रूस के खिलाफ अमेरिका बना रहा हो या भारत के खिलाफ बना रहा हो, भुगतान अमेरिका को जरूर करना पड़ेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं।